अगले बैठ जाओ हेलो हेलो कड़ा था तू बैठ जाओ फिर जाओ देखिए नहीं आप बैठ जाओ ठीक है बैठ जाओ भाई बैठ जाओ भाई राम राम भाई सारे भाइयों ने आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों फिलहाल आप खड़े हैं भाई बडेसरा गांव में और बडेसरा में आज पूरा जो बडेसरा गांव है वो इकट्ठा हो रहा है। तो कैमरामैन ते कहूँगा एक बार दिखा दे अरे यार कौन आ रहा है समाज सेवी मास्टर सतबीर रतेरा और भाई मैम से विधायक हैं बलराज कुंडू। भाई इस तरह समाज सेवी इस तरह विधायक हर जिला में हर अलकम हो जा तो हरियाणा का नाम ऊपर उठ जा। भाई चाहे तो गरीबा की बात लगा लिया या फिर भाई गरीब लड़की की शादी खिलाड़ी हो तो भाई हर काम में आगे जो दो दोनों समाज सेवी हैं आगे पाँव हैं। और आज के कुछ प्रोग्राम है किस तरह आए हैं पूरी बात करांगे। मास्टर सतबीर तेरा भी हैं और बलराज कुंडू जी भी हैं और कैमरामैन ते कहूँगा आ जाओ एक बारी। और इस साइड पूरा गांव बैठा है ये आप देख सको हो और आज का के कुछ प्रोग्राम है वो भी दिखाऊंगे। मैं हमसे विधायक हैं बलराज कुंडू तो बात करांगे। विधायक जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद।
समाज सेवा में अग्रणी करोड़ों लोगों की धड़कन, मेरे बड़े भाई प्रकाश कुंडू जी, मंचा सेन, सभी सम्मानित अतिथिगण, तो भाई नरेंद्र मान जी, बलराज कुंडू, बस भी चला रखी है, चाहे लड़की की बात कर लो, गरीब की शादी की हो या फिर गरीब परिवार हो, भाई आगे पावा है। दो तीन वीडियो तो आपने बना ली, तो आज यार का के कुछ मुद्दा है, किस तरह आए हैं तो बुझाएंगे। सर आज यहाँ पे आए तो क्या कुछ है बताइए। आज युवा साथियों ने कार्यक्रम रखा है, जो शहीद हुए हैं इस गांव को, हर गांव का इन्होंने कार्यक्रम रखा हुआ है। हमारे जन सेवक मंच के माध्यम से ही ये मेरी टीम है, जो परिवारों को सम्मान देने के लिए, सम्मानित करने के लिए आज का कार्यक्रम। पहले ये इन्होंने पूरे उस पर चला हुआ, पिछले दिनों कई गांव में, और आपने देखा हुआ तालूर, वहाँ भी मैं आया था, उसी कार्यक्रम के तहत आज उसी उसमें आज ही यहाँ का प्रोग्राम, जो शहीद हुए इस गांव उनके परिवारों को सम्मानित। तो पीछे एक मुद्दा भी चल रहा था, जो रोनात गांव है वहाँ भी जो गांव हो गुलाम है, आज तो कह है कि आज़ाद जो है हो गया, तो उसका बारे में क्या कहना है? आज तो हालात ये है, वो ऑफिशियली वो कागजा में गुलाम, आज तो देसी गुलाम होने जा रहे हैं। ये परिस्थिति आज हर गांव की, हर मोहल्ले की है। आज़ाद कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है? आज हम जो बढ़ रहे हैं जिस तरफ जा रहे हैं, गुलामी की तरफ ही जा रहे हैं। ये तो चिंता करने का विषय बहुत गंभीर। वो गांव तो जिसकी आप बात कराना, तो कागज़ा हम गुलाम है ना, यहाँ तो वैसे प्रैक्टिकल रूप से जो है ना, पूरा देश जो आज गुलामी की तरफ जा रहा है। जिस तरह आप समाज सेवा भी कर रहे हो और एक विधायक के तौर पर भी, तो यो मोटिवेशन मतलब किसको अपना श्रेय देना चाहो? तो लोगों को जगाना चाहता हूँ, श्रेय नहीं देना चाहता मैं, तो लोगों को जगाना चाहता हूँ। कब जागोगे? आज एजुकेशन में आ जा रहे काम, ये जो राजनीतिक लोग, ये जो अपना सवाल अपने लिए राजनीति करें, अपने घर बढ़ने के लिए राजनीति करें। जन सेवक का काम होता जनता की सेवा करना, जनता का विकास करना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना। यहाँ तो जो है ना, राजतंत्र हो गया है, जितने राजनीतिक दल हैं उनके नेता हैं वो जो सारे आज अपना घर बढ़ने में लगे हुए। तो आज मैम की बात लगा लो या फिर बुआणी खेड़ा हल्के की बात लगा, तो जनता का कितना प्यार मिल रहा है? तो आपके सामने की आवाज़ पे मैं तो बाहर, आज जितने लोगों का समूह बैठा है ये उनका प्यार ही है। आज मेरे हलके में जो है ना, एक सम्मान समारोह रखा था, अभी तो कोई ना चुनाव है ना और कहें, वहाँ पर 5,000 से ज़्यादा आदमियों ने आज आगे उसको कार्यक्रम में शिरकत की थी। ये सारी चीज़ बता के लोगों का प्यार उनका जो है। तो मास्टर सत्यवीर तेरा जी, बुआणी खेड़ा हल्का माँ आज पूरे छा रहे हैं, तो के कुछ कहना चाहोगे? मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इस बौनी खेड़े लोगों को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, कैसे जुझारू और जो पढ़े लिखे और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओगे तभी जो है ना उद्धार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।